मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन में अपना एक्सपोर्ट कर लिया था, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो मेरा कैसा दिख रहा है। तो अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, तो अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा कि इसको हम इसका क्लियरिटी कैसे बढ़ाएंगे फ़ोटो का। फ़ोटो तो बहुत ऑसम आया, ये पोज भी आप ट्राई कर सकते हैं गाइज अपने इधर एरिया में, अगर कोई वॉल हो या कहाँ पर भी, लेकिन इसमें क्लियरिटी कैसे बढ़ाएंगे। और हम क्योंकि मोबाइल फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उसमें क्लियरिटी थोड़ा अभी ऐसा कम आया, वहाँ पर लाइट्स कम थी, तो इसकी लाइट्स और क्लियरिटी कैसे बढ़ाया भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम काय में जाएंगे, यहाँ पे जो आएगा लाइट का ऑप्शन, इसमें जाएंगे तो इसका एक्सपोज़र का देखें हम थोड़ा कम करेंगे, तो जो ज़्यादा लाइट्स थी वो फेस से चलेगी, तो फेस देखे पहले से थोड़ा क्लियर दिख रहा है, देखा। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया नहीं किया है तो SMT फोटोग्राफी जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए गाइस, पहले लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, आप सब सीख जाएंगे इसमें क्लियरिटी कैसे बढ़ाएं। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस, साहिल तलरेजा फोटोग्राफी, SMT फोटोग्राफी एंड ऑफिशियल माय, सो एंड बी अपडेटेड, वहाँ पे आप अपडेटेड रहेंगे मेरे सारे वीडियोस के बारे में, वहाँ रोज मैं स्टोरी डालता हूँ, हो चुका है न्यू पोस्ट, हमारा फोटो थोड़ा क्लियर हो चुका है, जाइए एंड फॉलो करिए गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से हम हल्का सा इसका टेम्परेचर बढ़ेंगे कुछ 4-5 पर, ज़्यादा नहीं, हाँ ठीक है 6 ओके। और इसका हम थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा देंगे, मीन्स जो लाइट्स हैं, तो अभी देख सकते हैं आप इतना अच्छा हो चुका है। अभी आप बोलोगे हमें इसे डार्क टोन बनाना है, तो अभी हम डार्क टोन बनाएंगे। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे मिक्स में जाएंगे, तो पहले हम अपना रेड मतलब जो मेरा शर्ट का कलर है उसे कैसे एडिट करेंगे, उसका हम यू को देखें आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप उसका शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास आउटफिट बहुत कम है तो आप ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको मैं रेड ही रहने दूँगा क्योंकि रेड बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मैं थोड़ा सा यू उतर रहने सैचुरेशन बढ़ा दूँगा, सैचुरेशन बढ़ा के ल्यूमिनेंस थोड़ा कम कर दूँगा, इससे डार्क हो जाएगा आउटफिट। देखिए पहले से कितना बेस्ट इफेक्ट आ चुका है अभी तक, अभी तो बहुत बाकी है। फिर हम सेकंड जाएंगे हमारे फेस का जो कलर है, फेस का जो कलर है अभी उसमें भी हमें क्या करना है, हल्का सा यू कम करना पड़ेगा। सो फिर अभी हम इसे अपना जो फेस का टोन है उसमें आए, तो इसमें हमने यू कम कर लिया था -4 क्योंकि उससे थोड़ा सा टिल लुक आएगा, मतलब हल्का सा ऑरेंज फेस पे लुक आएगा। फिर अभी इसका हम ल्यूमिनेंस देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा होगा उसका लाइट्स तो आप कम ज़्यादा जो भी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा इसका कम कर देंगे। अरे हम यहाँ पे जो रेड कलर था, देखिए लिप्स भी थोड़े ज़्यादा डार्क रेड हो गए, तो ल्यूमिनेंस थोड़ा भी हम इसका इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो हमारा इस पर फेस का हमने देख लिया, थोड़ा लाइट्स हमने कम कर दिया है और यू बढ़ा दिया है। फिर सेकंड हम देंगे भी येल्लो का, इससे आप देखिए कितना ऑसम इफेक्ट आएगा। येल्लो का आपको क्या करना है, सेचुरेशन डायरेक्ट कम कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहले कैसा था ऑरेंज, जब ग्रे लुक आया, ग्रे पीछे जो बैकग्राउंड है बहुत ऑसम था, इसका ल्यूमिनेंस भी आप कम कर दीजिएगा इतना, और इसका व्यू भी कम कर दीजिएगा इतना अपने पिक के हिसाब से। तो देखिए बिफोर क्या था, अब क्या आफ्टर क्या है, अभी तो और बाकी है। फिर हम ग्रीन का भी ऐसे ही कर देंगे, सैचुरेशन कम, ल्यूमिनेंस कम एंड यू कम। और फिर इसका जो ब्लू है यहाँ पे जो हमारा डेनिम का कलर है, इससे भी हमें थोड़ा डार्क करना है, तो इसका ल्यूमिनेंस कम कर देंगे, उसका सैचुरेशन कम कर देंगे, या आपके हिसाब से आप जो भी कर सकते हैं। अगर आपको सैचुरेशन बढ़ाना है तो आप देखिए बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पर हल्का से कम कर रहा हूँ और इसका ल्यूमिनेंस भी कम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए था तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा इफेक्ट है। फिर हम जाएंगे पिंक कलर में, पिंक कलर भी हमारा शर्ट वगैरह के लिपस्टिक होगा, और देखिए शर्ट का जो ब्राइटनेस वगैरह वो बढ़ रहा है, तो ये ब्राइटनेस कम कर देंगे कम, जिससे शर्ट का लुक और ऑसम आएगा, ठीक है गाइस। इतना तो हमारा इफेक्ट आ चुका है। फिर हम सेकंड में जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ से हम सब क्लियरिटी बढ़ा देंगे, वो तो हर पिक में हमें बढ़ाना ही पड़ता है, कितना भी शुरू हो क्लियरिटी हमने इसका बढ़ा लिया। फिर इसका हम थोड़ा विग्नेट कम कर देंगे, ये विग्नेट भी हमारा कम हो गया। फिर अभी हम जाएंगे यहाँ पे डिटेल में, यहाँ से इसका शार्पनेस बढ़ा देंगे, फोटो में जो शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी, तो देख सकते हैं आप बिफोर एंड आफ्टर लुक इतना ऑसम आ चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ से सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में हमें क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड जिसे हमें थोड़ा डार्क करना है अभी, मतलब उसमें और इफेक्ट सभी हमें डालने हैं, फिर यहाँ से हम जाएंगे लाइट्स में, इसका एक्सपोजर कम कर देंगे, देखिए ऐसे एक्सपोजर कम कर देना है, कंट्रास्ट बढ़ा देना है, शेडोज हल्का सा कम कर देना है, ब्लैक्स को कम कर देना है, वाइट्स को बढ़ा देना है, और सैचुरेशन सीधे तो ऑफ कर देना है। अब इसको हम यहाँ से ये लेना है,
ऐसे में डुप्लीकेट करना है, फिर हम कैसे इजी हो जाएगा हमें यहाँ पे वर्क, यहाँ पे सेकंड साइड पे हमें फिर ज़्यादा यूज़ कर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो सेकंड साइड का हमें थोड़ा क्लियरिटी और वो थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो गया अभी यहाँ पे, यहाँ पर भी हमारा ये हो चुका है, ऐसा वर्क तो हमारा हो गया है। फिर अभी इसमें डिटेल्स में शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। फिर हमें थर्ड लेना है यहाँ पे, जो यहाँ पे एरिया अभी बचा हुआ है, तो इसका भी हमें वैसे ही करना है, हल्का सा एक्सपोजर कम कर देना है, बैकग्राउंड से मीन्स हमें मैच करना है पूरा। फिर इसे भी हम करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करके हमें इसे यहाँ ले आना है। काम कर दिया, ऐसे ऐसे कर देंगे यहाँ पे, एक और नीचे से अभी ऐसे ऐसे रेडियल हो गया। फिर यहाँ से जाएंगे हमें इसका भी एक्सपोजर कम कर देना है, इसके हाईलाइट्स भी कम कर देंगे, वाइट्स बढ़ा देंगे और ब्लैक्स कम कर देंगे, हम दैट सैचुरेशन हल्का सा ऑफ, क्लियरिटी बढ़ा देंगे, फिर भी कम टू अवर फेस, फेस के लिए लेना है हमें रेडियल, फेस के लिए जाएंगे तो भी हमें अपना एडजस्ट देखना पड़ेगा, लाइट्स क्या ज़्यादा अगर करनी है तो हम थोड़ा एक्सपोजर इसका बढ़ा देंगे, ये हल्की सी हाईलाइट्स कम कर देंगे, उसके शेडोज को भी देख सकते हैं हम थोड़ा कम कर देंगे, और वाइट्स को बढ़ा के ब्लैक्स कम कर देंगे। थोड़ा ओरिजिनल नेचुरल लुक आएगा अगर आपके ब्लैक्स को थोड़ा से कम कर देंगे तो, फिर ऐसे है कि उसका हमें क्लियर भी बढ़ा देना है, और जाके इसको हल्का सा एक्सपोजर और बढ़ा देना है, और हो सके उसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सैचुरेशन फेस पे, वहाँ पे आप यहाँ पे डन करना है। तो आप देख सकते हैं बिफोर लाइट्स देखिए एंड आफ्टर लाइट्स देखिए आप, तो कितना क्लियरिटी बढ़ चुका है अभी, हमें और करना है थोड़ा सा, आपकी फ़ोटो के हिसाब से आप कर सकते हैं, इसे ना करते हुए ब्रश लिया, ब्रश को हमने यहाँ कर लिया, ब्रश को हमने यहाँ कर लिया, लाइट्स भी जाएंगे, लाइट्स बढ़ा देंगे, लाइट्स बढ़ा देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ये हो गया हमारा इतना बहुत, जो भी हमारा यहाँ पे है शर्ट का कलर उसे भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और जो इफेक्ट हमें उसमें देने हो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लाइट्स में, यहाँ पे इसका देखिए एक्सपोजर थोड़ा कम कर देंगे, और कंट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स कम, शेडोज को हल्का सा बढ़ाते हैं, वाइट्स को बढ़ाते हैं, ब्लैक्स को कम करते हैं, सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे, एंड देन क्लियरिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, नॉट मच लेस देन वी विल गो शार्पनेस। बस अभी आपको अगर आपको हेयर को भी अगर मेरा तो है ऑलरेडी, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये वाला रेडियल ग्रे लेके, तो ये ना लेके रुकिए, इससे हम कुछ नहीं करते, ये वाला लेकर ब्रश पिन पॉइंट अपने आप हेयर्स में देखिए लाइट दे सकते हैं, यहाँ पे इरेज कर देंगे जितना हमको तो काम नहीं था, और यहाँ पर भी जहाँ थोड़ा सामने है थोड़ा दूर जाएंगे, इसका हम थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देंगे, आपकी हेयर कट की जो स्टाइल है वो बढ़ जाएगी। देखिए ये तो मेरे इसमें ऑलरेडी हेयर कट मतलब अच्छे से हुआ था जिसमें मैंने स्लो किया था कटिंग, लेकिन आपने अगर नहीं किया तो आप इसमें लाइट थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, देखिए अभी ब्लैक्स कम कर देंगे तो एकदम नेचुरल लगेगा, और आपके अगर आपको हेयर में भी शाइन डालना है तो वही मेरे पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने हेयर ट्यूटोरियल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप देख सकते हैं वो भी कैसे, या इसमें देख लीजिए, तो यहाँ से आप जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देंगे, और यहाँ से इसका मैं सैचुरेशन देखिए थोड़ा बढ़ा दूँगा, एंड देन उसके ब्लैक्स कम कर दूँगा, एंड उसके वाइट्स बढ़ा दूँगा, हल्के से उसके शेडोज भी बढ़ा दूँगा, हाईलाइट्स को कम कर दूँगा, कंट्रास्ट बढ़ा दूँगा, यहाँ कर दूँगा गाइस मैं डन, या आप अपने जो भी है गॉगल्स उसको भी हम इसमें यहाँ पे, ठीक है अभी हो चुका है हमारा वर्क। तो गाइस व्हाट वाज इट बिफोर एंड नाउ आफ्टर,
सो आप देख सकते हैं आप अपनी फोटो में क्लियरिटी कैसे बढ़ाएंगे, अपने फोटो को औसतम कैसे बनाएंगे, मतलब जीरो टू हीरो गाइज, मैं नहीं पिक का जो क्लियरिटी था उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर अपना फोटो ऐसा बनाना हो तो वीडियो को एंड, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें गाइज, सब्सक्राइब करिए, अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, तो आप अपडेटेड रहेंगे मेरे न्यू वीडियोज़ के बारे में गाइज। तो फिर कमेंट में आपको कैसा लगा मेरा एडिटिंग, मतलब कैसा लगा क्लियरिटी का ट्यूटोरियल। फिर वीडियो एंड करते हैं गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम साहिल सरदेजा फोटोग्राफी गाइस। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।